महोदय, मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और एनर्जी बिल 2017 के ऊपर बोलने को मौका दिया गया, इसके लिए धन्यवाद। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस देश का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी है, जो करीब 10 लाख करोड़ का धंधा इसका होता है सालाना, और रेवेन्यू के एंगल से देखें तो करीब 1.99 करीब 2 लाख करोड़ हमें रेवेन्यू मिला इससे, पेट्रोल डीजल इटसेल्फ, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये सबसे बड़ा अंग है। एलपीजी इंपोर्ट में भी हम अभी इस तिमाही में 2.4 मिलियन टन इंपोर्ट करके चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं। वैसे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिन्होंने आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में जो वायदे किए गए थे, उस वायदों को पूरा करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है, और इस विशाखापट्टनम स्थित IIPAE को राष्ट्रीय महत्ता का इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए सदन में बिल लेके आए हैं। यह भी उल्लेख करना चाहूँगा महोदय कि पिछले दिनों इसी सदन में आंध्र प्रदेश की IISER तिरुपति की स्वीकृति दी गई थी। महोदय, ये बिल लोकसभा में 18 जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया, और इसमें IIP बनाने की बात है जो कि बन चुका है, और इसको हम राष्ट्रीय संस्थान बनाना चाहते हैं। इस संस्थान में पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन और एनर्जी में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसकी मैनेजमेंट और रिसर्च की भी सुविधा और उस पर जोर होगा। महोदय, भारत जैसे बड़े देश में जहां आज कुशल नेतृत्व ने इसे विश्व की सिरमौर बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया है, एनर्जी के मामले में हम आत्मनिर्भर हों और इसमें ज़्यादा सफल होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इसके लिए आवश्यक यह भी है कि जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो अधिकांश तौर पे हम इसके दरों की बात करते हैं, उसकी गिरती और बढ़ती दामों के बारे बात करते हैं, लेकिन आवश्यक है कि इस क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हमें महारत और रिसर्च को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महोदय, आज यह पेट्रोलियम सेक्टर एनर्जी और यूएसए के बाद में, चीन और यूएसए के बाद में वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे हम हैं, और देश में एनर्जी की कंजम्पशन वर्ल्ड की टोटल एनर्जी सेक्टर का 5.5% है, और हमारे यहाँ पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट की मांग 5.6% दर की ओर से वार्षिक दर से सालाना बढ़ रही है। खपत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन चीज़ों के उत्पादन और उस पर प्रबंधन की आवश्यकता है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी और गैस पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज देश में पेट्रोलियम सेक्टर में 100% FDI होने की वजह से वर्ल्ड के ऑयल एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सऊदी अरब की कंपनी हमारे देश में ऑयल रिफाइनरी बनाने को इच्छुक है। ये सेक्टर डीरेगुलेट तो किया गया, और हम यह भी देख रहे हैं कि जगह जगह देश के हर कोने में पाइप से गैस बनाने की और पहुंचाने की योजना बन रही है। हमारे पिछड़े राज्य झारखंड जैसी जगह में भी, रांची में भी हाल में ही उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में एक बड़ा गैस लैंडिंग स्टेशन बनाया गया है, और वहाँ पे भी उस पिछड़े राज्य में भी पाइप से गैस देने की आयोजन किया गया है। ये सब सारा कुछ जो है, ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड अब होते जा रहा है, और हमें नई नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, चूँकि केवल परंपरागत तरीकों से काम नहीं होगा, हमें कुछ नए इनोवेशन के काम भी करने पड़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स ही नहीं, पब्लिक सेक्टर में भी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन करीब 45,000 करोड़ अगले 5 सालों में इस पेट्रोलियम सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी अपनी सहयोगी कंपनी BP PLC के साथ मिलकर गैस सेक्टर में $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का उनका प्लान है।
पब्लिक सेक्टर कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो करीब करीब आधा शेयर जिनका है, और इन लोगों ने दूसरी कंपनियां भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ मिलके भी एक बड़ी रिफाइनरी और पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है, जिसकी लागत करीब करीब 40 बिलियन यूएस डॉलर है और इसकी उत्पादन क्षमता करीब 60 मिलियन मेट्रिक टन होगी। आज हमारा देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट के उत्पादन में बाकी और बड़ी बड़ी कंपनियों, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है, जिसमें LNT, ONGC जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। इन क्षेत्र की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी जो 2016 में स्थापित हुआ, और जिसके साथ जैसा पुनियानी जी ने बताया कि समुचित संसाधन उन्हें उपलब्ध करा दिए गए हैं और अभी कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स चालू हो भी गया है, तो कोई कारण नहीं यह देश का एक अनूठा संस्थान बनेगा और अपनी तरह के अन्य संस्थानों को खुलने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा और एक प्रयोग तथा अन्य कई संस्थाएं जो इस क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं, उन संस्थाओं को मजबूती, उस क्षेत्र में थोड़ी मजबूती लाने का काम करेगा। मैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने पेट्रोलियम क्षेत्र में, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन पे जोर देते हुए आज इस बिल को लेके आए हैं, और इसमें मैं समझता हूं कि जो प्रबंध समिति है, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, उसमें कई प्रोफेसरों को भी रखा गया है, और जहां तक ऑटोनॉमी की बात है, मैं समझता हूं कि इसी सरकार ने IIM के लिए अभी कुछ दिनों पहले ऑटोनॉमी की बात कही है, और कोई, और ये एक मैं समझता हूं कि सरकार की नीति है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं ऑटोनॉमी में काम करें, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि इस ऑटोनॉमी के साथ साथ शुरुआत के दिनों में, जबकि ये संस्थाएं बड़ी बढ़ेंगी और स्थापित होंगी, उस समय हम कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके रखें तो हमारा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। महोदय, इस देश में करीब 10 ही संस्थाएं हैं जहां पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पढ़ाइयां होती है, जिसमें से एक है झारखंड का काफ़ी पुराना संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, और जो अब IIT भी बन गया है, और जैसा कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर को रखने की बात है, मेरा आग्रह होगा, सुझाव होगा कि ISM धनबाद के भी किसी प्रोफेसर को इसमें हम शामिल करें, क्योंकि वहाँ पे भी ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। वैसे इस संस्थान में अगर हम किसी एम्प्लॉय को भी और छात्रों के प्रतिनिधि को भी प्रबंधन के साथ जोड़ें तो काफ़ी अच्छा होगा। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए बड़े बड़े सपने देखे हैं, और पेट्रोलियम क्षेत्र में भी हम काफ़ी बड़ा सपना देख रहे हैं, और इन सपनों को पूरा करने में यह संस्थान भी अपना योगदान करेगा, और ऐसा हमें विश्वास है। इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महेश।